सुनाओ बच्चों, अब हमें देखना है दैट इज मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल क्या होगा, कब पॉजिटिव कहेंगे और कब नेगेटिव कहेंगे। तो दो सिचुएशन है हमारे पास यहां पे। सपोज दो सिचुएशन है लाइक ऐसा, सपोज दिस इज एक्स एंड वाई। देखो ये हमारा ओरिजिन है और यहां से मैंने सपोज किसी पॉइंट को कंसिडर किया और एक है ना उसका एक पोजिशन मैंने इसको क्या किया, यहां से एक लाइन लिखी और ये लाइन जैसे जैसे मूव करेगा इस नो एक्सिस से जैसे ऐसे इधर मूव करेगा क्या एक एंगल स्वाइप करेगा, ये स्वाइप करेगा एक एंगल को यहां से यहां तक लेके एक कवर करेगा एंड दिस इज द एंगल। जैसे जैसे ये इधर जाएगा है ना ये एंगल इंक्रीज करता जाएगा और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, किस सेंस में जा रहा है, ए सी डब्ल्यू, दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस इज नॉन एज द पॉजिटिव एंगल, दिस इज नॉन एज पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव मेजरमेंट कह सकते हो या पॉजिटिव मेजरमेंट कह दो, दिस इज पॉजिटिव मेजरमेंट और यू कैन से दिस इज पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट। अब देखो अगर मैं इसी सिचुएशन को कुछ इस टाइप से ले लेता हूं कि मैं एंटी क्लॉकवाइज यहां से नहीं चलता, मैं कैसा चलता हूं सर, क्लॉकवाइज चलता हूं। लाइक मैं इसी सिचुएशन को कुछ इस टाइप से दिखाता हूं, देखो एरो का यहां पे देखो है ना डायरेक्शन, देखो एंगल का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इधर मैंने क्या लिया है क्लॉकवाइज लिया है, दिस इज क्लॉकवाइज सीडब्ल्यू। ध्यान रखना ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एसीडब्ल्यू एंड सीडब्ल्यू बहुत काम आने वाला है, राइट। तो देखो सर यहां पे मैंने क्या लिया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैंने एंगल को ना इस लाइन को मूव कराया एंड एंगल मेजर की, तो ये हमारा क्या आएगा नेगेटिव है ना, नेगेटिव मेजर, नेगेटिव मेजर। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज सेंस में क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, राइट। तो यहां तक बातें आपको समझ आ गई, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, स्टिल आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ओके सो नाउ नेक्स्ट अगर मैं इस पर एग्जाम्पल देखूं कि सर आपने ये तो बता दिया कि एंगल को पॉजिटिव या नेगेटिव लिया जाएगा, लेकिन कैसे हो सकता है सर, कितना जाए हम, कितने एंगल को मेजर करें, उस चीज को हमें यहां पे देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज मैं यहां से है ना यहां तक चलता हूं और मेरा ये कितना है 45 है, दिस इज पाई बाई फोर इन रेडियन यू कैन से, अगर ये पाई बाई फोर है तो थीटा हमारा कितना आ गया, देन दिस थीटा इज पाई बाई फोर और यू कैन से दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आएगा तो हम नेगेटिव में लिख लेंगे, राइट। ओके सो दिस इज इट। नाउ इसके बाद भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सपोज सर अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर लेता हूं तो कितना एंगल हो जाएगा, दैट इज 2 पाई एंगल और यू कैन से 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री, और मैं दोबारा से चलना शुरू करता हूं तो क्या होगा सर, फिर से एंगल दोबारा से जीरो से स्टार्ट होगा या फिर कुछ और होगा, तो इस चीज को हमें समझना है कि सर वन रेवोल्यूशन में कितना होगा, टू रेवोल्यूशन में कितना होगा, थ्री रेवोल्यूशन में, इनफैक्ट इन डिग्री कैसा होगा, इन रेडियन कैसा होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं ना बच्चों, सपोज मैंने एक मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, सपोज हमारे पास कुछ इस टाइप से गिवन है, यहां से चला और ये यहां तक पहुंचा एंड सपोज ये हमारा पाई बाई फोर है और यू कैन से 45 डिग्री, डिग्री में अगर लोगे आप तो ये 45 डिग्री और अगर आप रेडियन में लोगे तो कितना है पाई बाई फोर रेडियन है, मतलब यहां से चलना शुरू किया, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया एंड देन फिर कितना तक चला पाई बाई फोर तक चला। नाउ मैंने आपसे पूछा कि एंगल की वैल्यू कितनी होगी,
तो एंगल की वैल्यू कितनी होगी ये हमें देखना है। सर क्या ये पाई बाई फोर होगी या समथिंग एल्स होगी? तो देखो थीटा हियर, अच्छा सबसे पहली बात मुझे बताओ ये थीटा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर पहली बात मुझे बताओ ये थीटा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर किस सेंस में चल रहा है? एंटी क्लॉक वाइज सेंस में चल रहा है, इसका मतलब एंगल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब पॉजिटिव आएगी तो देखो यहां पे देखो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन और एक कंप्लीट चक्कर, सर यहां से चलना शुरू किया और यहां तक पहुंचा, क्या एक कंप्लीट चक्कर हो गया? तो कितना एंगल चला होगा एक कंप्लीट चक्कर में? अभी अभी हमने देखा था वो 2π एंगल चलता है, ट्वाइस पाई एंगल चलता है, एंड प्लस एक्स्ट्रा कितना चला सर? π/4, ठीक है ना, दिस इज π/4। तो हाउ मच इज द एंगल हियर? दिस इज 9π/4, इतना रेडियन ये चला। तो ये ऐड होता जाएगा, मतलब अगर आप एंगल लिखते हो तो ये एंगल क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा। वन रेवोल्यूशन में 2π, दूसरे वाले चक्कर में फिर से 2π ऐड हो जाएगा, फिर से तीसरे चक्कर में कितना हो जाएगा और एक 2π ऐड हो जाएगा। अगर हमारे पास n रेवोल्यूशन है, n चक्कर लगा चुका है, तो एंगल कितना हो जाएगा? ट्वाइस पाई इंटू एन, और यू कैन से ट्वाइस पाई एन। तो हम लोग आगे भी देखेंगे इसको, है ना, आगे चीजों को जब साइन में हम लोग देखेंगे, कॉस में देखेंगे, तो वहां पे हमें और भी चीजों को देखना है, एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि सपोज यहां से चलना शुरू करता है और यहां तक पहुंचता है। कहां से चलना शुरू किया? यहां से चलना शुरू किया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड देन फिर हाफ। तो सर कितना हो जाएगा बता दो जरा सा मुझे, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सर यहां से यहां तक चला फिर हाफ चला, ठीक है ना। तो पहले बात आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होता था, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है? नेगेटिव है सर। तो नेगेटिव पहला कितना चला? ट्वाइस पाई, पहले ही माइनस लिख दो। एन फिर कितना चला? यहां से यहां तक कितना है? पाई, अगर इधर पाई है तो इधर भी पाई है, तो प्लस पाई। देन हाउ मच इज द एंगल? दिस इज 3π, देन थीटा बिकम्स 3π, राइट। ओके नेक्स्ट और क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां तक होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक समझ आ रही है कि आपको समझ आ रही है। ओके सो नाउ नेक्स्ट आगे देखिए। सर अगेन मैंने लिया, अगेन मैंने कहा कि चलो सर यहां से यहां तक आया और दिस इज द एंगल, ये यहां से यहां तक पहुंचा और मैंने कहा कि चलो ये 45 डिग्री है, बताओ कि एंगल की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि सर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट कर रहा है। तो थीटा सबसे पहले लिख दो कि ये नेगेटिव होगा। नाउ सर यहां से यहां तक चला तो कितना होगा? देखो यहां से यहां तक कितना है? 90, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था एक सर्कल बनाया था, यहां 0 था, यहां 90 था, यहां पे 180 था, 270 एंड 360, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। एंड देन फिर ये एंगल कितना है? 45 है। अभी तक मैंने रेडियन में देखा था, इसलिए मैं अब डिग्री में एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। सो 90 एंड प्लस, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज दोनों है, मतलब दोनों नेगेटिव है, तो कितना हो गया? 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 135 डिग्री, मतलब ये किस में है? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में है, क्लॉकवाइज सेंस में थीटा की वैल्यू हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो मुझे और कुछ एग्जांपल बताओ, मुझे कुछ और क्वेश्चंस बताओ आप, क्लियर हो रहा है या कोई डाउट हो रहा है? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, चीजें क्लियर हो रहा है, ऑल क्लियर हो रहा है, क्लियर करना है, ऑल क्लियर नहीं करना है, सारे खत्म हो गए, उड़ गए, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। सपोज हमारा यहां से चलना शुरू किया, यहां से यहां तक चला 1 रेवोल्यूशन, यहां से यहां तक चला 2 रेवोल्यूशन, एंड देन फिर यहां तक चला, बताओ कितने एंगल होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? सबसे पहला सर, सबसे पहली बात अगर की जाए तो थीटा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी।
क्योंकि हमारा रेवोल्यूशन कैसा है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इज़न्ट दैट करेक्ट? तो सर कितना चला, क्या एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तो एक चक्कर में कितना, तो सर किस में लिखोगे, डिग्री में लिखोगे या रेडियन में लिखोगे, डिग्री में लिख लो, है ना। तो एक चक्कर में कितना डिग्री, 360। दूसरे चक्कर में कितना डिग्री, देखो 360 इंटू टू, दो चक्कर कंप्लीट हो गया, एंड प्लस यहां से यहां तक कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री सर, 90 डिग्री, मतलब 360 प्लस 360, या फिर आप कह दो 360 इंटू टू प्लस 90 डिग्री, देन दिस बिकम्स 720 एंड प्लस 90 डिग्री। क्या इसको इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, या मैं बता दूं, चलो मैं ही बता देता हूं, 810 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब अगर मैं कहता कि इसको रेडियन में लिखो, तो क्या रेडियन में नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल रेडियन में भी लिख सकते हैं सर। तो दिस इज हाउ वी कैन से या वी कैन फाइंड आउट नो इन केस ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन। किसी भी एंगल को फाइंड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने ये सारी चीजें सिखाई, आगे भी ये काम आने वाला है, राइट? ओके, सो ओके नाउ तो हमें नेक्स्ट क्या देखना है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने हैं, और इसमें भी हमें क्या देखने हैं, 6 बेसिक फंक्शन देखने हैं। 6 वो बेसिक फंक्शन क्या है, क्या वो साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इन सबको कैसे फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें देखना है। फिर थोड़े से उसके बाद हम लोग एडवांस वर्जन में चलेंगे, राइट? तो सी हियर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सपोज एक सर्कल कंसिडर करो आप, है ना, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, आर इज द रेडियस, एंड सपोज ये हमारा क्या है, एक्स और वाई प्लेन पे है। तो मैंने सपोज एक पार्टिकल चलता हुआ यहां तक पहुंचता है और ये एक्स कॉमा वाई हो जाता है ये पॉइंट, तो सर इसका रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये कितना थीटा चला, तो सर यहां से थीटा चला, कितना एंगल चला, तो थीटा एंगल चला, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस पॉइंट से, है ना, इस एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहां पे, एंड दिस इज नॉन एज हाइपोटेनियस, है ना, इसे कहते हैं अपोजिट साइड, और इसे कहते हैं नो एडजेसेंट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको लाइक ऐसा, अगर इस ट्राइंगल को आप यहां से निकाल लो, है ना, इस ट्राइंगल को आप यहां से बाहर निकाल लो, और इसे मैंने कह दिया ये थीटा है, इस ट्राइंगल को मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, और इसे मैंने कह दिया बेस, और इसे कह दिया परपेंडिकुलर, है ना, आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट में भी ले सकते हो, है ना, यहां पे इसकी लेंथ कितनी वाई हो जाएगी, और इसकी लेंथ मान लो कि यहां से यहां तक हमारा क्या है एक्स है, और ये आर है, तो मैंने इस वाले रिलेशन में मैंने कह दिया आर, इसको मैंने मान लिया एच है, तो आर को मैंने एच कह दिया हाइपोटेनियस, और पी को क्या कह दिया यहां पे, वाई को कह दिया पी, वाई इज इक्वल टू पी एंड एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, बी। देन हियर दिस थीटा, है ना, दिस साइन थीटा कैन बी रिटन एज, दिस साइन थीटा कैन बी रिटन एज, दिस साइन थीटा इज, है ना, परपेंडिकुलर, है ना, दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है, तो दिस पी डिवाइडेड बाई एच, पी डिवाइडेड बाई एच, एनी डाउट्स? सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन यू कैन से, या दिस इज द रेशियो साइन थीटा पी बाई एच, ठीक है ना। अच्छा, कॉस थीटा की अगर बात करूं तो कॉस थीटा हमारा कितना हो जाता है, दिस बेस, है ना, बेस मतलब दिस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, देन दिस इज बी बाई एच, इसमें कुछ नहीं है। ये कैसे आया, है ना, ये आगे जब वेक्टर पढ़ेंगे ना, वेक्टर पे भी चीजें आपको और समझ में आएगी, राइट? तो खैर अभी टेंशन नहीं लेना आपको, अभी इतना समझना है। तो ये हमारा क्या है, कॉस थीटा, एंड अगर टेन थीटा की मैं बात करूं तो टेन थीटा कितना हो जाता है, टेन थीटा को देखो हमने क्या किया यहां पे, दिस साइन थीटा दिस डिवाइडेड बाई दिस,
है ना, cos थीटा दिस डिवाइडेड बाय बेस डिवाइडेड बाय दिस, tan थीटा हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, मतलब ये हमारा t डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, t बाय b। ओके, सो इसका अगर साइन है तो cosec होता है ना, इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा। अगर मैं यहां पे cosec लेता हूं तो cosec कितना हो जाएगा, cosec थीटा, दिस cosec थीटा है ना, cosec थीटा को h बाई p लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, cosec थीटा कैन बी रिटन एज दिस इज h बाई p, एंड sec थीटा है ना, sec थीटा कितना हो जाएगा, h बाई b, एंड cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज b बाई p। So these are the six basic, you can say these are the six basic functions, you can say, or ratios, these are the ratios also, right? तो इसके आगे तो ये आपको ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी कि सर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा को कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं, टेन थीटा को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो अभी अभी हमने सीखी थी, सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना, जो फंक्शन हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, सर साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा देखो ये थीटा है ना, अपोजिट अपोजिट साइड ये वाला है, एडजेसेंट ये वाला है, हाइपोटेन्यूस ये वाला है, देन दिस साइन थीटा कैन बी रिटन एज, क्या मैंने p बाई h कहा था, देन दिस इज 4 बाई 5, cos थीटा इज हाउ मच, सर दिस बेस डिवाइडेड बाई 5, तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 5, एंड tan थीटा कितना हो जाएगा, दिस tan थीटा कैन बी रिटन एज, दिस tan थीटा कैन बी रिटन एज दिस p डिवाइडेड बाई b, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, perpendicular divided by base, you can say. Okay, so now next, आगे sir cosec, cosec की वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 by 4, है ना, अभी अभी हमने सिखाया था, इसका जस्ट अपोजिट इनवर्स, you can say, है ना। अच्छा यहां पे कितना हो जाएगा, sec, sec theta, sec theta cos sec, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 बाई 3, एंड ये कितना हो जाएगा cot थीटा 3 बाई 4। तो क्या हमने 6 है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए यहां पे, सो दीज आर द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सो इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें इसके बाद एक मैं टेबल बताता हूं, उस टेबल को उसकी वैल्यूज को आपको याद रखनी पड़ेगी, और दो एक्स्ट्रा कुछ वैल्यूज हैं एंगल की, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, उसके बाद ही हम लोग फिर आगे चीजों पे बढ़ सकते हैं, राइट। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ज्यादा कोई इशू नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये एंगल स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैं इन सब वैल्यूज को आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू, ये जो 4 बाई 5 होगी तो ये वैल्यू होगी कितनी, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो हमने एक टेबल बनाया, इस टेबल में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो इसको एक याद रखने का तरीका है, एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे आप याद रख सकते हो सारी वैल्यूज को, राइट। सो सी है सर, यहां पे मैंने क्या किया, रूट ओवर 0 डिवाइडेड बाई 4, इस पे मैंने किया रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई 4, इस पे मैंने किया रूट ओवर 4 2 डिवाइडेड बाई 4, यहां पे किया मैंने रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई 4, यहां पे मैंने क्या लिखा रूट ओवर 4 डिवाइडेड बाई 4, मतलब डिनोमिनेटर में आप क्या लिख दो 4 लिख दो रूट के अंदर, और न्यूमिनेटर में क्या लिखो 0 1 2 3 4, राइट। अब देखो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू लिखो, यहां पे अगर आप साइन थीटा की वैल्यू लिखोगे, यहां पे ये साइन थीटा के लिए मैंने लिखा है ना, साइन के लिए लिखा है मैंने फॉर दिस, है ना, यहां पे तो देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहां पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 बाई टू, देखो ये 1 बाई टू आने वाली है, 1 बाई टू एक शॉर्ट ट्रिक है ना, अदरवाइज आप याद भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये कितना है 1 अपॉन रूट टू, अच्छा यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, एंड यहाँ पे लिखोगे तो दिस बिकम्स 1। नाउ सर अगर कॉस थीटा को याद रखना है तो आप क्या करो ना, ये मिडिल वाला टर्म सेम रखो, 45 डिग्री सेम रखो, 45 डिग्री सेम रखा, और जो लास्ट वाला है 90 डिग्री को यहां पे ला दो और इस ऑर्डर को रिवर्स कर दो। मतलब ये है कि सर जो लास्ट है वो यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला इस वाले पे चला जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, राइट। अब सर ये हमें साइन मिल गया, हमें कॉस मिल गया, एंड अभी अभी हमने एक चीज देखी थी कि सर कॉस साइन थीटा कितना था हमारा, That was b by h, and cos theta कितना था b by h, and tan theta कितना था p by b। तो देखो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, है ना, sin theta divided by tan theta, देखो यहां पे हमने अगर sin theta divided by tan theta कह दिया, sorry cos theta कह दिया, cos theta, तो हमारे पास क्या है p by h divided by b by h, क्या एच 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 कैंसिल आउट, तो क्या ये पी बाई बी मिला, इसका मतलब ये टेन थीटा क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो सर अगर साइन की वैल्यू से मैं साइन जीरो की वैल्यू यहां पे जीरो है, जीरो डिवाइडेड बाई वन कर दू तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अब यहां पे सर दिस डिवाइडेड बाई दिस, क्योंकि टेन थीटा क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, सो दिस डिवाइडेड बाई दिस कितना हो जाएगा रूट थ्री, सॉरी वन बाई रूट थ्री, 1 by root 3, this divided by this, यहां पे देखो this divided by this how much, 1 upon root 2 divided by 1 upon root 2, ये कितना हो गया 1 हो गया, अच्छा root 3 divided by 2 divided by half, तो कितना हो जाएगा ये root 3 हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी infinity, you can say, है ना, 1 divided by 0, तो 1090 की वैल्यू कितनी हो जाती है, tends to infinity हो जाती है, ठीक है। सो दिस आर द वैल्यूज यू कैन से, आप इसको याद रख सकते हो, है ना, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये आपने पहले भी देखा था। नाउ मैंने जो और दो वैल्यूज की बात की जो अभी अभी हमने एक ट्राइंगल से देखा था, उन वैल्यूज को देख लेते हैं, ठीक है ना। द एक्स्ट्रा वैल्यूज है, ये फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है ये बच्चों, तो इसके अलावे, है ना, इसके अलावे भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कुछ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना है, वो है लाइक देखो सर साइन 37, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेक्टर में बहुत कम आएगा। देखो बच्चों वेक्टर जो रियल फिजिक्स स्टार्ट होगा ना, वो कहां से स्टार्ट होगा, वेक्टर से स्टार्ट होगा, वो आपके लिए बिल्कुल ही नई चीज होगी। ये तो बहुत सारी चीजें आपको आती है, आपको समझ में आती है, वेक्टर बिल्कुल ही आपके लिए नया होगा और रियल फिजिक्स वहीं से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हमारा क्या है, ये सारी चीजें हम फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन है, फिजिक्स को समझने के लिए ये सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, इसको लाइटली मत लेना, रिमेंबर इट, ओके देन। तो सर साइन 37 अभी अभी एक ट्राइंगल में हमने देखा था कुछ वैल्यू, क्या लिया था वो 3, 5 लिया था। अच्छा साइन 37 की वैल्यू कॉस 37 एंड टेन थर्टी सेवन, ठीक है ना, इन सब की वैल्यू हमें लिखनी है और इसे आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इसको याद रखना पड़ेगा। अच्छा ये हो जाता है हमारा 3/5, साइन 37 इज हाउ मच 3/5, कॉस 37 इज हाउ मच 4/5, टेन 37 इज हाउ मच, दैट इज 10 कितना हो जाता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो दिस साइन 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, तो 3/4, राइट। अब देखो यहां पे इसको और हम लोग लिखते हैं साइन 53, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, साइन 37 है ना, कॉस, अब यहां पे हमें क्या लिखना है कॉस 53, एंड यहां पे लिखना है हमें टेन 53। देखो जो ये वैल्यू है ना, जो ये वैल्यू है वही वैल्यू क्या आएगी, साइन 53 की वैल्यू आएगी, ये हम आगे देखेंगे, ये आपको आगे समझ में आएगी, फिलहाल आप इसे याद रख लो। तो ये कितना हो जाएगा 4/5, ये कितना हो जाएगा, देखो अगर इसकी साइन 37 किसके बराबर है, सॉरी कॉस 37 किसके बराबर है साइन 53,
तो सर साइन 37 किसके बराबर हो जाएगा? सर कॉस 53 के बराबर हो जाएगा। देन दिस इज 3/5 एंड 1037 इज 3/5 देन 1053 का हाउ मच? सर इन दोनों को डिवाइड करो तो कितना मिल जाएगा? 4/5 मिल जाएगा। देखो ये वैल्यूज कहां से आई, कैसे आई, मैं आपको बताता हूं। ये एंगल्स देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लिया था मैंने, यहां देखो सर एग्जांपल मैंने लिया था, ये 4 है, ये 3 है और ये कितना है 5 है। देखो ये एंगल थीटा है सर, ये एंगल कितना हो जाएगा अगर साइन की वैल्यू लिखोगे तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। सर 4/5 कितना है, यहां देख लो किधर चला गया, ये हो गया, इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना मिला 53। सर ये एंगल 53 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए था 37 होना चाहिए था, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखो सर साइन 37 फिर कितना हो जाएगा, यहां पे देखो ये हमारा कितना मिला साइन 53 मिला ना, देन साइन 37 देखो कितना हो जाएगा साइन 37 दिस अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सर ये कितना था 3 एंड डिवाइडेड बाय कितना है 5 हाइपोटेनियस। देखो साइन 37 की वैल्यू यही निकली है, यही लिखी थी। तो ये चीज आप रिमेंबर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दिस वैल्यूज आर नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, होप चीजें आपको समझ आ रही होगी, चीजें आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हमें और चीजों को डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये तो हमारा पहली क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, नेक्स्ट क्लास में और चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें क्वाड्रेंट सीखना है, हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है और इसके अलावे भी राइट। तो आज के लिए इतना काफी है, आप पढ़ाई करिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, देन थैंक यू।